हाल इस बात के दौर का कोई डिस्पेंसरी है या कोई सरकारी इमारत है, लेकिन स्टेट यानी रियासत इस बात के दौर का ये है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं गबराल में मौजूद हूँ। गबराल में हम पहुँच गए हैं। उतरूर से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के फासिले पर सतह समंदर से 9,500 फीट की बुलंदी पर ये वादी वाक़या है। सड़क ख़राब ज़रूर है, लेकिन मतलब इस काबिल है कि आप छोटे बड़े गाड़ी में आराम से आ जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप दरियाए गबराल के नज़ारा देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मौज मस्त लहरें, इसके बहने का अंदाज़ बिल्कुल आबशार की तरह है। तो बहुत तेज़ी के साथ ही आता है ये खड़खड़ाई झील से, मतलब ये पानी नीचे बहता हुआ गबराल आ जाता है और फिर गबराल से दरियाए उतरोड में और फिर दरियाए उतरोड से ये दरियाए स्वात में जो है ना फिर गिर जाता है। तो ये सारा सिलसिला है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। मेरे साथ रहे, मैंने आज आपको गबराल दिखाना है कि गबराल किस तरह है। और यहाँ पर आपको मैंने दिखाना है, बहुत ज़्यादा आबशार है यहाँ पर, तो आबशारें भी देखेंगे, रास्ता भी देखेंगे और आबशार के जो दरियाए गबराल है उसके नज़ारे भी देखेंगे। मेरे साथ रहे। आबशार खड़खड़े झील जाते हुए रास्ते में खूबसूरत आबशार, बल्कि एक नहीं दो तीन आबशार जो है ना आपको रास्ते में मिलेंगे। और अगर आप ये देखें तो ये ग्लेशियर है, ये देखिए सारा ये बड़ा। लकड़ी का ब्रिज आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराना ब्रिज है, ये नया इसके लिए बना दिया है। तो ये गबराल वैली, अगर आप देखें तो गबराल वैली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बेहतरीन नज़ारे हैं। और ये जो पानी है ये खड़खड़ाई झील से ये पानी जो है ना नीचे आ रहा है गबराल की तरफ। तो गबराल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, शानदार है और नज़ारे बेहतरीन। अगर आप देखें तो
मई के महीने में भी मौसमी बहार है। आज इस वक्त मैं गबराल में मौजूद हूँ और ये खड़खड़ी झील को रास्ता जो है ना आगे जाता है और काफ़ी मशहूर सियाहती मुकाम है। गबराल वैली ख़ुद भी खूबसूरत है। अगर आप देखें तो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत लोग जो रास्ता है वो बना रहे हैं बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटे गाड़ियों के लिए तो बहरहाल गुजारा है, लेकिन यहाँ पर मुकामी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आपका नाम क्या है और आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से। मेरा नाम ज़ाहिर शाह, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तो आप लोग इधर आ गया, हमारे लिए आया है। आज ये फैमिली की गाड़ी है, देख लेता है सब लोग मीडिया के शक्ल में देख लेता है, फैमिली गाड़ी इधर फंसी हुई है पानी के अंदर, ये पानी में ये रास्ता ख़राब है। हाँ, हमारे ये अपील है हुकूमत से कि जल्दी जल्दी ये रास्ता हमारा ठीक हो जाए। सियाहों का इलाका है, लोग आते हैं बहुत ज़्यादा खड़खड़ी जेल के लिए। हाँ, रास्ता ख़राब है इसलिए लोग नहीं आता, सियाह नहीं आता, कोई सहूलत नहीं है किसी को। हाँ, हमारी ये अपील है मीडिया के ज़रा, हाँ जी, हमारा आवाज़ पहुँचे आगे, हमारे हुक्मरान को पहुँचे कि वो इसको कोई हल निकाले। मैं थोड़ा सा मंजर भी दिखाऊँ, अगर आप देखें तो ये दरियाई गबराल है, खड़खड़ाई झील से ये पानी जो है ना बहना शुरू हो जाता है और आगे उतरूड़ और फिर दरियाए स्वात में जाके मिल जाता है। तो खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत इलाके हैं, लेकिन मसला सिर्फ एक ही है कि सड़क अगर पुख्ता कर दिया जाए तो ये इलाके भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन सकते हैं और बड़ी तादाद में हुकूमत को और इलाके के आवाम को रोज़गार के मौके मिल सकते हैं। ये एक और आबशार, अगर आप देखें तो बेहतरीन।飞了，维度飞。
सलीम खान ये बताइए कि गबराल में क्या है, मतलब एक सैयाह यहाँ आते हैं, मतलब मुल्क भर से सैयाह यहाँ आना चाहते हैं, तो वो यहाँ क्या देखेंगे? इधर तो कुदरती बहुत सारे नज़ारे हैं, आबशार है, झील है, बड़े पहाड़ है, जंगल है, सब कुछ देखने को मिलते हैं यहाँ। अच्छा। और बहुत पुरसुकून इलाका है, पुरअमन है, और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज है, बहुत सारे देखने को कुछ मिलता है यहाँ, अगर कोई आए तो देख ले। चश्मा है इधर, चश्मा शफा के नाम पे मशहूर है। अच्छा, यही पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ज़बरदस्त बहुत बड़ा चश्मा है यहाँ पर, चश्मा शफा भी है, हमने बोतल ली है यहाँ कर। यहाँ पर मुकामी लोगों ने बताया कि बहुत ही बड़ा चश्मा शफा है और बहुत ही मशहूर है, और मुतअद्दिद मतलब बीमारियों का इलाज इसमें मौजूद है, शिफा तो अल्लाह देता है, लेकिन बहरहाल फिर भी मतलब यहाँ के इंसानों का, यहाँ के लोगों का ये अकीदा है कि ये चश्मा शफा है, और इसमें इसकी जो पानी है वो भी बहुत ही ज़्यादा लजीज है, और सर्दियों में ये गर्म और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा। तो ये गुलाबाद गांव गबराल में मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह है, तो मेरे साथ रहे, बल्कि हम तो पहुंच गए हैं, और बहुत ही शानदार है ये, अगर आप देखें तो ये पहाड़ों के बिल्कुल, पहाड़ के बिल्कुल जो पत्थर है इससे पानी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाता है, और ये बहता है फिर जाके दरिया में गिर जाता है, तो ये काफ़ी खूबसूरत है, और ख़ूबसूरती के साथ साथ साफ शफाफ और बेहतरीन भी है। कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं रिस्क लेता हूँ, हमारे दोस्त शौकत एडवोकेट ने रिस्क ले ली, वो पत्थर पर पाँव रख कर जा रहे, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको उस मुकाम तक पहुँचाऊँ जहाँ पर ये चश्मा जो पहाड़ से निकलता है पानी वहाँ पर। तो ये अब हम उस मुकाम पर तकरीबन पहुँच गए हैं, लेकिन अगर आप देखें ना तो यहाँ पर भी लोगों ने गंदगी डाली हुई है, और ये चीज़ें नहीं होना, पिकनिक किसी ने मनाया है तो वो ठीक नहीं है। बहरहाल देखते हैं क्या हो जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, आप मेरे साथ रहें और मुझे देखते रहे, अगर मैं गिर जाऊँ तो फिर हंसना नहीं है आपने, लेकिन मैं छलांग लगाऊँगा। यह हम उस जगह पे पहुँचे, बिल्कुल यहाँ, ये यहाँ से ये पानी जो है ना बिल्कुल निकलता है, और अगर आप देख निकलना शुरू हो जाता है तो बेहतरीन, मेरे साथ रहे। और पूल भी देखे, यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत पूल, येलो वाइट पूल, और क्या ही बात है। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहता हूँ, ठंडा है, जायका बस बिल्कुल पानी का प्योर जायका है, बेहतरीन है, और बहुत ही बेहतरीन है, ठंडा है। मैंने कहा ठंडा नहीं है, लेकिन ठंडा है, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है तो ये तब्दील हो जाता है, अब आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद ठंडा होगा। यहाँ रास्ता ख़राब है, तो थोड़ा सा ही पानी है, कलवट अगर बना दिया जाए तो बेहतरीन हो जाएगा। सामने आबशार, गैर मुकामी ड्राइवर है, तो मुकामी ड्राइवर अगर होते तो वो गाड़ी को निकाल सकता था, लेकिन चूंकि ये वाकिफ नहीं है इन रास्तों से, और निकल गया निकल गया निकल गया, थोड़ा सा अगर जोर हो जाए, निकाल दिया है निकाल दिया है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सूरत हाल है, अगर रास्ता आप देखें तो यहाँ पर कुछ दरख्त उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल
यहाँ पर पत्थर है तो यहाँ पर गाड़ी आके फंस जाता है। यहाँ से गाड़ियाँ मतलब आज़ाद अगर निकाल दिया जाए तो ठीक है, अगर फंस गया तो फंस गया, ये सूरत हाल है। गब्राल जो ज़्यादातर नज़ारे हैं इसके वो दरिया के साथ साथ है। इस वक्त भी मैं दरिया के साथ मौजूद हूँ। अगर आप देखें तो दरिया जो है ना वो रोड के बिल्कुल साथ साथ बहता है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप पर बास जगह ऐसी भी आते हैं कि दरिया की जो चींटी है पानी की वो भी आप महसूस कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। और हमने कोशिश की कि आपको गब्राल जो है ना खसूसी तौर पर दिखाया जाए, तो मैंने ये कोशिश की है। अगली दफ़ा किसी और जगह पर किसी और मुकाम पर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।